इतने कुड़िया आ के मुंडिया तो फीस लवा के इतने आ जाते हैं उन्होंने प्रचार दिलवा दिया इन मन मारिया मैंने कुटिया झूठ बोल मैं रेप कर दिता यह झूठ है 100% झूठ है कसम खाओ तुम अपने बच्चों की अपने दुद्ध की छाती की कसम खाओ कि सच्ची गल है जो सच्ची गल तो कॉल करो नहीं तो अत बाद मैं रेडियो प्रोग्राम बंद कर देना लोड़ नहीं सानू करन दी सरख पाउण दी तुसी लोग चुप करके बैठे हो शर्म चाहिए सानू उसको साडी कम्युनिटी नू शेम फॉर अस मेरे 64 साल की उम्र हो गई है तुसी तुहाडे लोकां नू चुप ने सब कुछ किया है गंद पाया इस देश दे विच इह ऐसियां औरतां कलहणी आ गई है इस देश दे विच इह देश नू बर्बाद कर दिता सिस्टम नू इन्हां ने लीव लीव कर दिता है थोड़ी कॉल आवे ना आवे वी डोंट केयर असी कानून के मुताबिक गल करनी है असी इन्हें एमपी जगाना है ये अपनी वोटों की खातर करते हैं थानू कसम हो जिस बिच तो 2020 उन्होंने वाइफ जी है कुछ साल बाद स्पेन आती है तो पीआर लैके वह फरार हो जाती है जिस तरह साडे कैनेडा का रुझान है बदकिस्मती वाली गल है कि गुरदेव सिंह टोटली कोरा कागज है अनपढ़ है जिंदगी दे बड़ा भला मानस है इन्होंने मदर कुछ साल पहले गुजर जाती है होर के परिवार के मैंबर नहीं बुजुर्ग है बुजुर्गों के कहने के मुताबिक इन्होंने शादी की है हम यह सलाह लेनी चाहता अं सलाह देनी चाहते हैं इन सलाह चंकी देगी आप कि यह शादी अपनी ना करावे पर यह कहता कि जी मेरे माँ बाप हम फिर कह रहा कि मैं शादी करवानी है तो मैं करवानी पैनी है तो यदि वाइफ जब गलत चार्ज लवा के यू घरों ले जाता है लड़का लड़की ने अपनी भैन तो यह बेचारा कुआरे का कुआरा छड़े दे छड़ा रह जाता है फिर दोबारा छड़ा इन कहेंगे हम 32 साल की उम्र का है सो साडे लोग क्यों करते हम करूँ की इन्ना भोड़ा आ मैं कि तू बिल्कुल शादी ना करा बैठ रहा कि तू अपनी कमाई कर अपने फादर के नाल जिंदगी जीवन बतीत कर काम कर फादर नूं पैसे भेज घर के हालात भी यहोजे ने जे कोई होर शादी कराऊंगा तो वह भी आण के कलहणी जी भज जाऊगी तो यह मन नूं तैयार नहीं है आओ सानूं तुसीं कॉल करया करो ताकि असी वध तों वध कॉल लईए यह हुण सलाह लेनी चाहता कि मैं ब्याह करावां ना करावां पर यह चाहता कि मैं ब्याह गोरी ना करवाना चाहता नॉन इंडियन नाल तो यह फादर कहता कि नहीं ब्याह तू गोरी ना नहीं करवाना तू ब्याह इंडिया दे विच तैनूं कुड़ी लभ के होर दिंदे उन्हां करा ला थानूं लगता है कि कुड़ी इंडिया दे नाल है जे जाके ब्याह कराऊगा तो इहदे नाल रहूगी वह एक अनपढ़ बंदा आ रह सकदी इहदे नाल जिहो जे इहदे हालात ने गलबात दा तरीका आ पिंड बडाले तो आ और पिंड झुग्गी यह अपने बालखान का कोर्ट मेरे ख्याल लागे तेरे सहुरे ने पिंड के लागे बालखान कोर्ट है ना नूरमहल के कोल थोड़े सहुरे इत्थे ना गुरदेव सिंह धोखा फिर हो जाना क्योंकि इतना सिंपल है ये जी कमाई है वह गोरी खाई जाऊगी चाहे फिर यदि जी नवी बहू होगी वह आ पक्की होकर फिर फरार हो जाऊगी क्योंकि तिना महीनों में ही ये तो दोष ला के इनू जेल करा के वह अपना पीआर कार्ड लैगी तो अपना अटैची चौक के फरार हो गई है सो ये इन्नी कलहणी है जिन्हें इस भोले पाए एक आदमी का ब्याह करा के सिर्फ स्पेन की खातर लोग जिंदगी बर्बाद करते हैं आपां इन्हां रोकना है हुण अज जसप्रीत की माँ अते पे दे वास्ते एक साडा शो चैलेंज है कि तुसीं एक गरीब बंदे दे नाल एक भले मनस बंदे नाल शादी करके अपनी कुड़ी नूं बाहर भेज के भेजन की खातर ब्याह किया तो उहदे नाल धक्का किया उन्हें तुसीं जेल पहुँचाया शर्म चाहिए है ये माँ बाप नूं इहो जिहे माँ बाप नूं उहनां नूं शर्म दे नाल जिंदगी बतीत करनी चाहिए है सो असीं की कहीए कि उहनां नूं की करना चाहिए ये हुण तुसीं आपे जाणदे हो इहो जिहे माँ बाप ने जिहड़े कि अपने धीआं नूं इक ऐसे बेचदे ने इह बेचण वाली गल है पक्की हो जा उत्थे फरार हो जाई फिर एक मुंडा लभ लई उत्थे पैसे लै लई दुबारा फिर ब्याह करा लई इदां लोक करदे आ तो देखो कि एक मंडी है एक पशुआं दी मंडी है मझां गावां दी मंडी है सो जिथे कि तुसीं अपने बच्चों नूं जिन्हां नूं पालदे हो उन्हां नूं जिंदगी नूं दूजे घर तोड़ के कुछ महीने बाद तुसीं बच्चा नहीं लैणा अगे पेट दे विच पथरी है तू रिलेशन ना बनाई तू नाल सैक्स रिलेशन ना पैदा करी और बच्चा ना हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाऊगी शर्म चाहिए की गल तुहाडा कि माँ बाप ही सब कुछ करवाउंदा आ माँ बाप जिम्मेवार आ इहो जिहे हालातां विच जदों कुड़ी नूं घरों भजाउंदा आ कुड़ी कदे भज नहीं सकती घरों जिन्हें एक माँ की शह ना हो जिन च एक पे अगी ना करता हो कुड़ी किसी भी हालत में माँ बाप को समा हों कहते कि घर तेरा आ कुछ भी हो उस घर में रहना है तेन कुटन मान कुछ कारण उस घरों बहर नहीं आना
अजकल दे मां बाप कहते ने कि तू करो पक्की होके करो आज ही भजिया ही भजा ही। सो आ हालात ने आ समाज साडा आओ सचमुच तुसीं कॉल जरूर करो कि थोड़े मुताबक अजकल दियां कुड़ियां दा घरों भजना पीयर लैके कसूर किहदा आ कुड़ी दी मां दा कुड़ी दी पीए दा आ। कुड़ी नूं सब कुछ मां बाप सिखा दिंदे कि तू इन्हां हालातां विच ही जा कुड़ी दा कोई पहला बॉयफ्रेंड आ उहनूं गाइड करदा आ कि जदों पीयर हो गई और चल जी फिर रिलेशन नहीं बन दिंदे फिर कहिंदे कि मेरी प्रॉब्लम आ मैं तेरे नाल सेक्स नहीं कर सकती। आई एम सॉरी टू से दैट मेरी लैंग्वेज माफ करना कि आप बच्चा लेना बच्चा कैनेडा जो बच्चा ला के लावे इमीग्रेशन नहीं मिलनी ये सारे बहाने आ। जो ये बहाने हो तो कुड़ी कदे भी तुम स्पोंसर ना करो किसी विदेश में लैके ना आवो छे मां बाप का हाथ है जेडे अजकल हो रहे हैं ब्याह जी कुड़िया भज रही ने मां बाप भजा रहे हैं आओ सू कॉल करो हो सारे कुछ सियाणिया धीया कह कि मैं जिथे तुम ब्याह तो मैं उत्थे रहना कुछ ऐसा भी कुड़िया हो गई पर मावं इन तेज ने कुड़ी एक बार घरों चल जाए पक्की हो जाए जिथे मर्जी खसमां नूं खावे शर्म चाहिए यह जी मावां नूं यह जे पेवां नूं जिन्होंने जन्म दिता है तियां नूं जिन्हें बच्चों नूं तुसीं सिखा देंदे हो तुहानूं शर्म चाहिए मां बाप नूं तुसीं जिंदगी समाज नूं मतलब कूड़े में सड़ दिता है साडे विरसे नूं साडी इज्जत नूं। सो शर्म चाहिए है मां बाप नूं जिहड़े मां बाप इहो जिहा सिखा रहे ने अपने बच्चों नूं कनेडा अमेरिका चल जाओ तो घरों भज जाओ की गल तुहाडा सानूं कॉल करो कि कसूर मां बाप का या नहीं मां बाप का कॉल करो एक बारी कॉलर तुसीं सच दस्सिओ कि ये जिहड़ी जिहड़ी शादियां अजकल हुंदियां आ कुड़ियां मुंडे पीआ लैके भजदे ने ये सारा कुछ मां बाप की सलाह ना हुंदे जां नहीं हुंदे की कारण आ जी बोलो कॉलर की कहना चाहते हो जी बासी साहब फिर सलाह देनी पई अपने दूसरे लेंदे टोरी तुसीं जी काका तो लेंदे ही आ हां जी जी लेंदे ही लै के लत रख दे ली मेरी मैनू 32 साल हो गए कनेडा जाए नूं ऐदा करी मां पे नूं हुंदा बई अपना ना मतलब मेरे लड़का ते गांव दे लाड हो जाए अपनी लाइन चलदी रहे लै काका ऐदा करी आ दे मां पे नूं कह के तू भी ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਛਾਤੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਨਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਨੌ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾ ਲਓ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਟੀ ਜੋ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਾਹ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤੇ ਹੋਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮਾਂ ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੋਣ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਸੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਸਾਲਾ ਮੰਜੋ ਬਾਸੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਕਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕਾ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਮੈਂ ਗੋਰੀ ਫਲਾਣਾ ਟੈਂਕਾ ਤਨ ਤਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਬਗਾ ਦੂ ਵੀਰਾ ਸਾਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਜਾਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਸੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਦੇਲੇ ਦੇਲੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ ਵੀਰਾ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आओ असी अज प्रोग्राम विच इह अद्धे घंटे वास्ते इही टॉक शो करना इस वेले मिल लई ते गुरदेव जी ने गुरदेव जी हाले भी कह रहे ने कि मेरा बाप कहंदे तू इंडिया आ जा और इंडिया आण के तेरी असी शादी कर दे कुड़ी होर लभदे आ अगर कुड़ी लभणी है ते तुहानू पहला इहनां नूं चाहीदा कि बच्चा इंडिया विच लै लैणा चाहीदा और उस तों बाद फिर स्पोंसर करना चाहीदा आ और इहनां नूं स्पोंसर नहीं करना चाहीदा फिर कुड़ियां आण के ते भज जांदियां ने भज्जण दा कारण इह आ कि उहनां कोल बच्चा नहीं हुंदा उह फिर होर शादी जां फिर उहनां कोल ऑलरेडी बॉय पहला बॉयफ्रेंड हुंदा। सो इही कारण है कि इत्थे केस दिन ब दिन कोर्टां दे विच कचहरियां दे विच मेले लगे हुए ने कुड़ियां झूठ बोल के मुंडियां नूं चार्ज करा रहियां ने। असीं जे टैलीफोन लाइन खोलीए सा दस्सिओ किन्नियां कुड़ियां ने इत्थे जिहड़ी कि मुंडियां नूं चार्ज करवाउंदियां ने गलत तरीके नाल सिर्फ इमीग्रेशन लैण दी खातर उस तों बाद भज जांदियां ने। इह सारा कुछ मां बाप दी सहना हो रिहा मां बाप इहदे पिछे आ मां बाप बच्चे नूं गाइड करदा आ जे मां बाप सख्त होवे कहे कि तेरा ब्याह कीता आ कि तू इस घर विच रहना है कदे भी इहो जिहे हालात नहीं हो सकते। सो इन्हां दी पॉलिसी है लोगों की कि पैसे नाल मुंडे वाले पैसे लवा रहे ने कैनेडा विच आण के मुंडे नूं स्पोंसर नहीं करदियां जे कर दिंदियां मैं तैनूं इमीग्रेशन दवा दूंगी पर मैं तैनूं रहना नहीं है। इत्थे किन्ने परसेंट कुड़ियां ने आवाज़ आ रही बंद कराओ जी थोड़े जे सिस प्लीज किन्ने परसेंट इत्थे कुड़ियां ने सच जाणिओ कि जिहड़ियां इह कहिंदियां ने कि मैं स्पोंसर कर दूंगी तेनू मंगा लूंगी पर तेरे नाल नहीं रहना तेनू पक्का करा दूंगी और तेरे नाल नहीं रहना और तेरा मेरा रिश्ता कुछ नहीं है
तो इतने आण के होर मुंडे ना रह रही है। शर्म चाहिए यह कुड़िया नू, ते शर्म चाहिए यह कुड़िया दी मामा नू। जे मुंडे जे है उन्होंने भी शर्म चाहिए। साढ़े कैनेडा दे विच एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम की है कि इमीग्रेशन जिहड़ी आ इहदे विच टैल है। इमीग्रेशन दे विच सोध लैणी चाहिए है। सोध कौन लै के आवे? इत्थों जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट आ इह सुत्ते पए ने, इन्हां नू चाहिए कि इह देश दे विच इह सिस्टम नू मैसचूज किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा तां भी दस्सो, जे किया जा रहा तां भी दस्सो। आओ सानू कॉल करो, तुहानू मेरी कसम जे तुसीं मैनू ना कॉल करो, एक सच है कि कुड़ियां पहले स्पॉन्सरी कर दियां, दो साल पढ़ लैंदियां ने, जो वर्क परमिट मिल लैंदा, उस तो बाद कहिंदियां कि मैं कौन ते तू कौन, फिर स्पॉन्सरी कर दियां, स्पॉन्सर कर दिंदियां, एयरपोर्ट तो लैन जांदियां ते आप गड्डी दे मोहरे जे पिछे बह जांदियां, मुंडे नूं तार दिंदियां होटल विच जां किसे घर विच, ते मुंडे नूं कहिंदी मैनूं फोन ना करी, मैं तैनूं मंगाउणा सी मंगा दित्ता आ। 30-40 हज़ार डॉलर, 25-30 लाख रुपया लवा के मुंडे वाले करजा चढ़ा के इत्थे अड़ के मुकर रही आ। पर इत्थों देश दे विच इमीग्रेशन डिपार्टमेंट की सुत्ता पिया? साडा देश है, सानूं दुख है कि साडे देश दे विच इन्ना कपड़ा हो रहा, तो ये लोग अपनी वोटां दी खातर जिहड़े पॉलिटिशियन लोग ने, मेरी इन्हां नूं बेनती है कि इस मैस नूं, इस फ्रॉड नूं रोको, RCMP नूं इनफॉर्म करो, CBS नूं दसो क्या कुछ हो रहा। पर प्रॉब्लम यह है, असी लोग गल करते हैं पर जो रेडियो से गल करते हैं उदो आ बोलना नहीं चाहते, कारण लाउंड सानू जो असं प्रॉब्लम लैके आए हैं, सानू की फायदा है, असी तो पंगे ले गए, पर असी इस देश की सौ खाधी हाँ, असी इस देश की खातर मरांगे मिटांगे, देश में हो रहा है कपड़े को रोकने की कोशिश करांगे। नंबर वन कॉल प्लीज, नंबर अपने गुरप्रीत लाइन से, वीर साहब नंबर फोर अपनी गुरप्रीत जी लाइन से हो? हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही बस सर। तुसी लाइन ते सर की कहना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो कह रहा जी तुसी अपना जिन्ना मर्जी गला सकाई जा जी, फिर लोगों की सेहत कोई असर नहीं पैना जी, सारे आपो अपना देखते हैं कि भी हाँ भी कलू साडा आजूगा तो साडा आजूगा, बस यही नंबर शेयर रिलीज कर सर साहब। हाँ जी ठीक है जी, ते सारे नु नहीं कहता, जेडे कोई चंगे भी हैगे इत्थे, मैं आप पर्सनली मेरे को कुड़ियां इत्थे काम करदियां जी, जिन्होंने जैनुअल ब्याह इत्थे कीते आ, सारा कुछ कीता, जो अगलियां अपने मां प्यो नूं सद्दियां, भैणां भरावां सद्दे, उहनां दे वीजे नहीं लगदे। असी मैं रोज पैठता स्यापे करता मैं अपने आप की जिंदगी दे विच कि कर की रहे हैं इमीग्रेशन डिपार्टमेंट दे विच जिहड़ी मैस पई आ, इमीग्रेशन वालिआं नूं जां जिहड़े इत्थे MP कीते होए मोहरे वोटां पा के चलो जताए जां कुछ भी आ, इहनां नूं चाहीदा, इहनां नूं कहिड़ा दीदा दीगा जी लैटरां लैण इहनां कोल ही जांदे सारे, है ना, इहनां नूं चाहीदा कि भी हाँ भी जे कोई इहनां नूं पता, सब पता, मोस्टली हुण अपने इन्ने MPs वगैरह हैगे आ, सारिआं नूं पता कि भी की चलदा की हुंदा की नहीं हुंदा, ਆੜੋ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਲੈਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸੀ ਮੰਗਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਸ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ। ਗਿਵਮੀ ਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ। ਨੰਬਰ 3 ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨੰਬਰ 3 ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ, ਅਸੀਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਬਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 100% ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਰ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਚੂੜੇ ਆਪਣੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾ ਸੇ ਟੱਕਰਦੇ ਆ ਮੂਹਰੋਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਕੈਮ ਸਮਾਨ ਖਾ ਕੇ ਹਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ ਹਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼।
आओ सानू कॉल करो जे तुसीं गलत सानू गलत कहो इस समस्या का हल करना पैना है और रोजाना जिंदगी जी मिस पै रही है यह जिम्मेवार कुड़ी की माँ तो प्यो जी इंडिया बैठी है जी कि समझा नहीं अपनी कुड़ी कुड़ी की जरूरत है कि तेन मैं मंगाता से मैंने फोन नहीं करना तेन एयरपोर्ट तो पिक कर लिया तेल होटल देता है और खसम खा और पैसे ले लिया 40-50 लाख रुपये लवाता है उन्होंने करजाई कर दिता है और रोंद ने करलाते हैं और बावजूद भी लोग कुड़िया के नाल ब्याह करके मुंडे वाले फीस दे जाते हैं सो यहोजे ब्याह बंद करने चाहिए गवर्नमेंट को नंबर वन कॉलर की कहना चाहते हो हाँ जी बस जी गल इस तरह जी यह एक हथ ताली नहीं बजती दोनों तरह बछारमे उधर कुड़िया वाले भी उधर मुंडे वाले भी जी जब सारा कुछ पता होंगे हुए भी तो मेरी गल इंटरनेशनल शो चलता सारे देखते हैं उन्हीं अखा थोड़ा को बीट के बैठे आ राइट सारे को पता होने के बावजूद भी इन्ना गंद खिलर गया इन्ना गंद खिलर गया कुड़ी वाले ने तो इन्हें शर्म ही लाती मां पे उन्होंने उन्हीं तक बिजनेस बना लिया कुड़िया तोरो जिदा होंगे मैं की लफ्ज तो यूज करा मैं है ना उन्होंने खाना इतना के फैरना घूमना दूजी गल है कि जी इतनी इमीग्रेशन है यह तो पट्ठा ही बैठ गया साढ़े बंदे आ असी चुने इंडियन है सारे ये पॉलिटिक्स उत्थे इंडिया जी ने बनाती है की गल इन्हें दीदा नहीं है अखा मिट्टिया ला इतने होना चाहिए देखो जे कुड़ी मुंडा किसी छे इंडिया में देखो जे कोई डिवोर्स दिता उसे उम्र गल जाती है डिवोर्स नहीं थोड़ी कितने अदालत धक्के खाते हैं जिन्ना चाहे डिवोर्स ब्याह नहीं हों ला इतने भी इदा होना चाहिए आ नहीं तो घट्टो घट जरा ब्याह होया इतने ला होना चाहिए जे तुम कुड़ी मुंडे छड़ते हैं 5 साल ना मुंडा ब्याह करा सके ना कुड़ी करा सके जे छड़ के जाता इदा ला होना चाहिए हूं मैं बस ही तुम तो वोट पाओगे कि हरेक वार्ड में अपने इंडियन खड़ा है विश्वास करो कि जी पार्टी सी पीसी पार्टी सी कंजरवेटिव पार्टी उन्हें ला बनाया कि इन्ने साल में ब्याह नहीं कर सकता कंडीशन सी ट्रूडो साहब आए ट्रूडो साहब मेहरबानी करती जी नो पॉइंट वेव कर दिता कि नो पॉइंट तुम आओ उस पक्के हो जाओ अगर यह सारा कुछ सिस्टम इस तरह रहा तो यह बहुत वीड्डी मेजोरिटी में मैसेज जी खत्म हो जानी सी इन्होंने कहता जो बंद आ गया जी वह फ्री है कुड़िया वाल ने तो वे माँ प्यो ने शर्म ला ली है शर्म जी ला के सड़ दी खूह बासी जी इतने सिर्फ जेड़ा इंडिया में चल आटा दाल फ्री इतने भी वो इन शुरू कर दिता अपने बंद ने हम मेरी गल सुनो पहला अपने दूजे स्टिकर लगता से 120 डॉलर का वह माफ कर दिता है ना 14 डॉलर की सीनियर टाइट होंगी सी माफ कर दी ये तो सर्व इतने फ्री करी जाते हैं ये सिर्फ पंजाब बना दिता इतने इंडिया बनाता तो ही नहीं जे साडे पॉलिटिक्स इंडियन मोहरे लियाने तो यही हाल होना देखो कहां दिखा हों की न्याण स्टूडेंट बेचारे रोड़ा धक्के खाते बल असी अपने देश की खातर कानून के मुताबिक लड़ाई लड़ांगे कानून के मुताबिक असी जो कुछ कह सकते हैं वह कहांगे और साडे वास्ते एक मंत्री संतरी जिहड़े ने और एक बराबर ने असी केयर करदे कानून की बीट और केयर कोई मंत्री है चाहे संतरी है और असी इस देश की सौ खाधी है असी देश के बच्चे मिस पै रही है ये लोगों ने दसना है कि आ कुछ हो रहा है मंत्री संतरी कुछ कर ना कर पर असी उन्होंने सामने दसना कि आ हो रहा ताकि लोग एक दिन इकट्ठे होकर सोचेंगे कि भाई इस देश के दे होगा कि आने वाला समा कहो जहा होगा बच्चे थोड़े रोणगे तुम पट पट के स्यापा करोगे कि हो रहा देश के सानू चाहिए आ असं नहीं चाहते कि सरकार आए साढ़े कोई आवे साढ़े लिबरल आ जाए साढ़े पीसी आ जाए एम NDP आ जाए कोई आ जाए वी रिस्पैक्ट एवरीबॉडी असं ट्रूडो साहब का भी सत्कार करते हैं असं कंजरवेटिव पार्टी का भी करते हैं NDP का भी करते हैं पर समस्या यह आ कि यह जी मैस आ जी कुड़िया के माँ बाप ने इंडिया में बैठे इन्होंने सिखा दे उ चल जाओ जो मर्जी मुंडा लभ लियो एक बार लंघ जाओ फीस लै लो जो तुम फीस पूरी होगी और छड़ दियो बहुत हो रहा है बंद होना चाहिए इना कुड़िया ने खराब किया सब मां प्यो की राय नाल मां प्यो की सहमति ते चल दिया बच्चे रोंदे आ मां प्यो जिन्हां दे बेटे आ बेटियां दे मां प्यो रोंदे आ इंडिया दे विच वीर जी ये तो ना तुसी कोई ना कोई करो इहदा हल ये बहुत इन्नी इत्थे गंद पाया कुड़ियां ने चलो है तो अपनियां ही धीआं भैणां पर माड़ी गल आ वीरे इन्हां वास्ते ये बहुत ना इन्हां ने बस पैसा मुख रख लिया भी सानू पैसा मिल जे इधरों लै लो फिर उधरले पास्यों लै लो जे मां प्यो चंगे होण कदे भी कुड़ी जिंदगी विच इह स्टैप नहीं लै सकदी वो कहेगी कि मां कहे पे कहे कि नो तेरा ब्याह हो गया तू इस घर में रहना इस मुंडे ना रहना मुंडे कहती है मुंडे तेन मैं सद दिता है मैंने फोन नहीं करना जो फोन किया मैं पुलिस को फोन करके तेन चार्ज कर देना यह चार्ज कर दिया
डिपोर्ट करना चाहिए। हां जी वेखो अगे मां प्यो भी समझदार सी, साडी भी शादी हुई, मेरे घर आला फौज च सी, मेरी मम्मी ने कहना जे धीए लड़के आई तो मेरे घरे ना वरी, ओही तेरा घर आ, ओही तेरा मां प्यो, ओही तेरा परिवार आ। हुण तो मां प्यो गोडे ला लैंदियां, कह दिंदियां कमाई है साडियां धीआं कमाई करके खोंदियां, इधरों इन्ने लख लै लो, हुण उधरों इन्ने लख लै लो। शर्म उन्हां नूं लाणता पाओ जिहड़ी इहो जिही मावां ने पे ने जिहड़ी कि अपने धीआं नूं आ कलैणियां नूं सिखा दिंदे तुसीं इदां करो। अगली कॉल प्लीज। कहिंदियां साडी धी आ सी जिवें मर्जी करगी, अगों आए बोलदियां नहीं, ये जो बोल दिया मुझे कहते हैं हू आर यू, तुम कौन हो, इन्हें जमान जी है ये रोकने वास्ते कानून बनाना चाहिए है। अगली कॉल प्लीज। मेहरबानी जी, असं टेकिंग मोर कॉल्स, अस कल यही टॉप करा, अस तीन घंटे यही टॉप रखा कि इस रोकना है, इन्हें स्टॉप करना है, असं बेनती करनी है। मैं हाथ जोड़ के इतों के जिन्हें भी चुने हैं ये लोग ने, डजन मैटर किड़े ने, मर्द ने, औरतों ने, इन्हों मैं बेनती करा कि देश डुब रहा, इस देश में बचा लो, यह देश में चुनूड के लोग खा रहे हैं, तुम अपनिया झूठे जहाजा च लै रहे हो, देश जोड़ा है ये बहुत माड़े हालात में ही गुजर रहा है, इनू भी बचाना है। सब अपनी वोट बैंक ना बनाओ, सोहने देश में सोहना रहन दो, ये देश थोड़ा कल्याण का नहीं है, साडा भी है, जिस करके थोड़े लोगों की कदर नहीं है, उन्होंने लोगों की जो लोग देश की कदर नहीं करते, देश की कदर करो, हर देश की कदर करो, जो तुम इस देश में बैठे हो तो दूजे देश को बदनाम ना करो, थोड़े कोई हक नहीं है, तुम बाहर देशों में बैठ के दूजे देशों के बारे में गलत सोचते हो, और देश को खत्म करना चाहते हो किसी भी देश को, तुम चंगे इंसान बनो। और साडे गुरु साहिबाना ने साडे धर्म के गुरु ग्रंथ साहब के हर धर्म के जिन्हें भी धार्मिक ग्रंथ ने उन्होंने शांति की एकता की गल है, पर गल है गल कित्थे गई है वो। अगली कॉल प्लीज। नंबर वन भैन जी, तुम कि परेशान हो, है या नहीं, की कहना चाहते हो? हां जी भाजी, सत श्री अकाल भाजी, बोल रही हां जी। मैं ते आई डोंट अंडरस्टैंड भाजी, कल कि पहला जदों असि इस कंट्री च आए सी उदों अगर असि किसी अपने हस्बैंड नु या किसी नु स्पोंसर करना हुंदा सी ते 5 साल तो पहला तुसी उत्ते लिखया जांदा सी कि तुसी अलग नहीं हो सकते जी, 5 सालां बाद अगर तुहानू कोई प्रॉब्लम आंदी है तुसी अपना सेपरेट हो सकते हो। अजकल तो डे वन जिथे तुसी लैंड होए नहीं, दैट्स इट, यूर गॉन, तू मैनू 1 लख दे, तू मैनू 10 लख दे, तू मैनू 15 लख दे, मैं तेन रख दी, आई डोंट नो की हो रहा है, दिस इज सो क्रेजी। अपने जो बंद इतने साल रह रहे हैं, अपने मतलब किसी रिलेटिव बुलाने, किसी बुलाने बुला नहीं सकते, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पता नहीं किवें आ जाते, भैन भरा किवें आ जाते, नैक्सट डे ही आ जाते हैं, उसे उन्होंने वीजा पता नहीं कितों मिल जाते हैं। मैं हैरान है, इन्होंने कोल एक गद्दा है, गद्दे में अद्धा हिस्सा गद्दा दूजे का है, अद्धा दूजे का है, इन्हों को बैंक बैलेंस नहीं है, रेवन्यू इन्हों का इनकम है नहीं गी, बैंक बैलेंस नहीं है, ना आने वाले का ना लिया वाले का, तो थोड़े वाले को टैक्स भी देंगे हो, इन्ने साल तो रह रहे हो, तो तुम जो स्पॉन्सर करते हो, वी डोंट बिलीव तुम मुड़ के आवोगे, आई पॉलिसी हो गई, आ कितों की पॉलिसी हो गई है, तुम इन्ने साल टैक्स दे रहे हो, तुम इस देश की खातर कि सख्त मेहनत करके टैक्स पे करते हो, ये टैक्स पे नहीं करते, इंडिया तो आन के बिस्टर बीजे से यह कैश काम करते हैं, थोड़े बच्चे काम नहीं मिल रहा, सब तो वड्डी प्रॉब्लम आए, फिर आके उसे कैश काम करके पैसे बना के देर गॉन, हेलो ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੰਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੱਜੀ ਬੋਲੋ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਦੋ ਨੰਬਰ 4 ਕਾਲਰ ਪੀਸ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੈਸੇ ਲਓ ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਸੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਜੜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ 30 40 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ
तू कौन ते मैं कौन तेन मंगाना सी मंगाता तू जिथे मर्जी रह मैं तेन पक्का करा दूंगी उन्होंने कुड़िया आप पीयर सन ते आके आपकी औकात पता लग जाती भी तेरी औकात नहीं मेरे ना रहन दी उन्होंने पूछना चाहिए सी पंजाब से ताडी औकात की सी जे इहो जे केस सानू इनफॉर्म करो मैं तुहानू गरंटी करदा सी एजेंसी नाल गलबात करांगे कि इन्होंने पासपोर्ट कैंसल किए जाने और इन्होंने चार्ज जिहड़े ने लेट किए जाने इंडिया विच कि इन्होंने फ्रॉड किया कि इंडिया विच पैसे लए आ यह फ्रॉड है मैं तुहानू गरंटी करदा वारंटी करदा साडा कैनेडा देश पावां सख्त एक्शन लवे ज ना लवे पर इन्होंने क्लीयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा हिंदुस्तान तो क्योंकि हिंदुस्तान ने कानून ऐसे बनाए ने कि जिस दे विच जिहड़े लोग कहिंदे सी कि हिंदुस्तान का कानून नहीं है हिंदुस्तान ने सरकार ने ऐसे कानून बनाए ने हिंदुस्तान का असि धन्यवाद करते हैं सरकार का कि जेडे लोग हेराफेरी करते हैं उन्होंने सजा दे उन्होंने पासपोर्ट कैंसल करो कोई ऐसा देश नहीं है तो सुनिया कि संडे नू भी साडे कैनेडियन अंबैसी एमरजेंसी में तुहानू पासपोर्ट ते वीजा दिंदी है तुसी मैनू यह महसूस कर रही ने कुड़िया इत्थे आण के पैसे लवा लेंदियां ने फीस भरा लेंदियां ने जदों लागे फीस पूरी हो गई उस तो बाद तू कौन तो मैं कौन इस सिस्टम नू गंदे नू मस 5 बजे पा के स्लीपर हेयर देर भी कढ़न गेड़े लग जांदियां वा ओहो जे नहीं नहीं फैमिलियां भी बर्बाद कर देंदियां नाल इनू इहदे नाल बहुते बच्चे बड़े सियाणे ने बहुत ही लड़कियां बहुत इमानदार ने चंगे घर दियां आईयां होईयां ने ओह कहिंदी अंकल जी साडा नाम बदनाम कर रहीयां ने इह बराबर नहीं हुंदियां दसे उंगलां बराबर नहीं हुंदियां इह थोड़ी जिहियां कुड़ियां थोड़े जिहे मुंडे ने जिहड़े कि बलछने ने और तुसी देखते जाओ कानून ने हर एक वास्ते इको जिहा आ और कानून ने इन्हां लोगों नूं सजा देनी ही देनी है अज नहीं कल नूं नहीं परसों नूं ये लोग अंदर जाणगे ही मेरा नाम जगिंदर बासी है तुसी नोट कर लिओ सरकार नूं हार्ड स्टैप लैणा पैणा इमेज वेखो की बना दी पंजाब दे विच ब्रैम्पटन चाह हुंदा ब्रैम्पटन चो हुंदा की ब्रैम्पटन च की नहीं हैगा हरेक फैसिलिटी हैगी इत्थे भाजी एक कुड़ियां दी मामा जिहड़ी पे आ मां पे आ उहनां दा कसूर आ ओह क्यों कहिंदे आ कि तूं मुंडे नूं छड्ड मुंडे नाल क्यों रहिंदियां इह कुड़ियां ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਖੜਾ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ 13-50 ਲੱਖ 60 ਲੱਖ ਪਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲੈਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆਪਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜੇ ਇਨਕਮ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਾਊ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਅਰਗੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਊ ਆ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧਰਾ ਵੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਪਰ ਇਟਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾਊਂਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫੇਰ ਭੱਜ ਜਾਊਗੀ ਬਹੁਤਾ ਪੋਰਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਕਾਲ ਦਿਓ ਜੀ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ 2 ਕਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਭ ਹੁਕਮ ਹਾਂਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਲੋਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹਿਆਂ ਵਰੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜੇ 100 ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਨਾ ਤੇ 100 'ਚੋਂ 100 ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ 5-7 ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਨ ਜੀ